हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। इससे पहले हम लोग 29 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फाइंड आल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ -9x³ +5x² +3x-1। देखिए, जब भी जिसके भी पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, जितनी डिग्री रहती है उतनी ही वैल्यू आती है, उतनी ही वैल्यू हमारी आती है, चाहे एक्स दो चाहे वाई जो भी होगा। मतलब इसमें अगर डिग्री देखें तो डिग्री किसे बोलते हैं, हाइएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। इसमें 4 डिग्री, तो यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होंगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो इफ़ 2 ऑफ इट्स 0 इज इतना एंड इतना, तो आइए एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक्स की वैल्यू दो वैल्यू दे चुकी, तो एक एक्स की वैल्यू क्या है 2 √3 और एक एक्स की वैल्यू क्या है 2 √3। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन है। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो वैल्यू आया है वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया होगा। ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग खोजना होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी निकलेगा वो हमारा डिवाइजर निकलेगा। ठीक है, और वो जब डिवाइजर से हम इसमें भाग देंगे। आइए आगे स्टेप से चलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने ये किया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, और मतलब इधर लेके आएंगे तो एक्स माइनस टू, और साथ ही साथ ये हो जाएगा -√3। ठीक, ये हो गया बिग ब्रैकेट में, किसमें हो गया, ये इसमें बड़े वाले ब्रैकेट में, इनटू इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू और ये प्लस होके क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये भी बड़े ब्रैकेट में, ये 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना होगा और इन दोनों की जो वैल्यू आई है ना वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आई होगी। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो एक्स माइनस टू यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स माइनस टू है, तो ये हो गया ए, हो गया बी, यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो हमको क्या मिला, ए माइनस बी और ए प्लस बी का हमको क्या मिलता है एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसको मतलब एक्सपेंड करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × 4x कितना हो जाएगा -2 × 2 × a × b 4x हो गया, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला एक्स स्क्वायर, ये 4 है, ये 3 है माइनस में, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये -4x है और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिससे हमको ये वैल्यू मिली थी। ठीक है, एक ये वैल्यू मिली थी और एक ये वैल्यू मिली थी। ठीक है, दो वैल्यू हमको जो मिली थी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर मिल जाएगा आपको, और ये 2018 में पूछा हुआ। ठीक है, ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करिए, हमारा जो भी निकला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइजर बनेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइजर, क्योंकि इसका हम लोग भाग देंगे। देखिए, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमको फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको चारों वैल्यू जो 4 वैल्यू थी सारी सारे को क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप, अगला स्टेप क्या है, 2x⁴ -9x³ +5x² +3x-1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर -4x +1। ठीक है, तो इसको भी करने का एक तरीका होता है, आप इसको भी बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहले आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, जितने की कमी होगी उतने का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2x⁴ और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 की भी कमी है तो यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो यहाँ पे हमने लाया है उसको इसमें पूरे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 x⁴। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8 -8x³। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x². ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस, और ये प्लस से माइनस, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -x³ बचेगा। ठीक है, -x³ बचेगा, ये मतलब ये 9 है और ये 8 माइनस हो जाएगा, तो माइनस बड़े वाले की साइन माइनस हो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ से माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है बड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लिख लेंगे -1। फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पे किसकी कमी है, आपको दिख रहा होगा कि 1x की कमी है, तो यहाँ पे हम लोग 1x लिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इसका मतलब -1 की भी कमी है, तो हम लोग -1 लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, स्पीड बढ़ा के अगर आप देख रहे हो तो स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब इस वैल्यू का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -x³ मिल जाएगा।
फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4x² हो जाएगा। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1x। मतलब अब ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसको जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4a - x² क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये होके प्लस, प्लस एक्स हो गया, 3x कितना हो जाएगा, प्लस 4x, और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब फिर हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब किसकी कमी है, सिर्फ -1 की कमी है, तो -1 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x², ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस एक्स, प्लस 4x, प्लस 4x, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से गलती हम थोड़ा उतार देती है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस आ गया ना, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होना। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इतनी बातें आपको समझ, यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस के जगह प्लस लिख लिए थे, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा माइनस आ गया, हमारे पास देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनना था, इसको हम लोग क्वोटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वोटेंट, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं हिंदी में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ गया, अगला स्टेप पर हम लोग पहुँच गए, अगला स्टेप हमारा क्या है, 2x² - 1x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से हमको 2 रूट मिलेगा, कितने मिलेंगे, 2 रूट यहाँ से मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x² मल्टीप्लाई करने के बाद 2 - 2 आना चाहिए, और सॉल्व करने के बाद माइनस होना चाहिए, हम लिख सकते हैं -2x + 1x - 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -1x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिला, 2x कॉमन मिल जाएगा, जब 2x कॉमन है तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 - 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन मिलेगा, हमको +1 कॉमन मिल जाएगा, और क्या मिला, x - 1 कॉमन मिल गया। यहाँ से हमको x - 1 कॉमन मिल गया, x - 1 मिल गया कॉमन, और क्या मिला, 2x + 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे 0 के, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और इधर देखिए अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4 वैल्यू आएंगी, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो इस पूरे इक्वेशन में वैल्यू कितनी आ गई, पहला हमारा 1 आया ये, जैसा कि देखिए हमको 2 वैल्यू को पहले से पता थी, ये तीसरी वैल्यू हो गई, ये चौथी वैल्यू होगी, और उससे पहले हम लोग पहली वैल्यू जो वैल्यू थी हम लोग निकाल चुके थे, पहली वैल्यू ये थी, दूसरी वैल्यू ये थी। तो इस क्वाड, ये जो क्वाटा मतलब जिसके पावर 4 है, इसकी 4 वैल्यू, 1, 2, उसके बाद आप इसको मैंने अभी सॉल्व किया, 3 और ये 4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा आप अच्छे से 1-2 बार और देख लीजिएगा, अगर जो भी दिक्कत होगी, तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने इसको सोचा कि आपको अच्छे से बता दूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप घबराइएगा मत, इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा पेशेंस के साथ, ताकि आपको नंबर 3 या 4 नंबर आपको फ्री फंड में अच्छे से दिला सके। तो यही इसका स्टेप है, आप इसको अच्छे से करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।